ये विचारधारा से हमन हा पार्टी ने चला था और एक बार हमन ला सब ला मिलके जोरदार छत्तीसगढ़ महतारी के जयकारा लगाना है। तो साहब कहे पहली कोनो नारा लगाना है तो बदल लेकर पहली सफार, ठीक है, तैयार हो अपन, रेडी। तो दोनों हाथ ला उठाना है, पीछे वाला हाथ उठते नहीं है, इससे कैसे चली भैया देखा था वे, सबके हाथ ला उठाना है। और जो पिछले बार धोखा कर रही ना मुख्यमंत्री बन ही से करके सही पंजल बंद करना है, दोनों हाथ ला उठा के पंजल बंद करके बोलना है, बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की जय। इतना आवाज में नहीं हाले भूपेश बघेल की जोरदार नारा लगाने लगी तो दोनों हाथ ला उठा के बोलना है, बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की जय, बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की जय, बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की जय। आप तो हाल ही लगा जोगी जी के सेना के आवाज पहुंच के हुई कि यहाँ पे अमित जोगी जी सरगुजा में आ गए हैं। अब भूपेश बघेल जी तो 2.5 साल के समय तो हो गए, अब तो रो जाए के समय आ गए है। अपन बात तो शुरू करे पहली में हाँ, एक थन साहब के दोहर तो को पाना चाहत हो, साहब के दोहर नहीं से उसने होकर हम चेला आ रहे थे बहु एक थन उसने दोहा बनाया, तो आप तैयार हो दोहा बन यादव भाई मन तो आए हुए साबित नहीं है, साहब के चेहरा को सीखे उसने उसने उसके बोल दो मोहम्मद थोड़ा थोड़ा तब कर दोहा हमें। अरे पहला पहला कहा थे संगी पहला कहा ले आए रे, अरे पहला पहला कहा थे संगी पहला कहा ले आए रे, और पहला ढिला गया अजीत जोगी के और लवरा कहा लुकाए रे। तू सब पहला ढीले अमित भैया एक थन छात्र संगठन के हरे और एक थन युवा मोर्चा के हरे, और भैया आपने विश्वास दिला था कि दोनों हमन मिलके पूरा प्रदेश में इसे नांगर जोतबो कि सिर्फ और सिर्फ 2023 में हल चाहिए और सिर्फ और सिर्फ हल चाहिए। आप हमन आशीर्वाद दे हो हमर साथ में मोर युवा साथी बंदो को है, मोला पूरा विश्वास है कि हमन हा हमन संगठन ला मजबूत करबो और 2023 में हमन हा हमर सरकार बनाबो। आप जो विश्वास जताए सरगुजा संभाग के हमारे हर समूह जिला अध्यक्ष की नियुक्ति कर रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष की भी नियुक्ति हो गई है, और आने वाला समय में एक माह के हमारे यूथ लड़ टाइप दे हैं कि पूरा जिला के जम्मू कार्यकारिणी का आपका एक महीना के अंदर हम सौंप देवो, ओकर बाद जैसे आपके आदेश हो ही पूरा प्रदेश भर में हमारा हल्ला बोल के नारा लगाबो। और भूपेश बघेल के जो सरकार है ये जो झूठी सरकार है ये जो विकास विरोधी सरकार है ये सरकार ना उखाड़ फेंके पर हम तैयार करो ऐसे बहुत सोच हमें। एक कहावत हमें छत्तीसगढ़िया में कहते चिखलम गोल अरग में धोए लगी, चिखलम गोल अरग में धोए लगी, भाजपा और कांग्रेस का वोट देवे तो रोए लगी। इसने छोवा था पे सरगुजा संभाग में तो बाबा साहब पूरा वोट ले ली और हम मतलब बर्बाद है एक ऐसे मिशन बनाया होगा तो हाल में तो साथी मान ये सोच के हमर जोगी जी हम पार्टी बना रही थे हम लोगों सोच में चलना है। बड़ा दुख लगते महुला कि हमारे छत्तीसगढ़ महातारी में ये छत्तीसगढ़ महातारी के कोख में ईंचे कोयला ईंचे सोना ईंचे बॉक्साइट ईंचे एल्युमिनियम ईंचे हीरा ईंचे तमाम प्रकार के खनिज पदार्थ थे तब वो लेता और हम छत्तीसगढ़ हमन करी भाव आने आने प्रदेश के देश के आदमी मना थे और हमन लूट के चलते थे और हमन जस के तल जी यहाँ बैठे हैं वहाँ के वहाँ बैठे रहता तो हमन लखो चल लगी। अजीत जोगी जी कहा थे पहली अजीत जोगी जी के एक सोच रही पहली वो कहा है कि जो मजदूर है वो मजदूर को जो मालिक बनाए के सपना देखे तब वो सिर्फ और सिर्फ अजीत जोगी देखे। वो कहा है कि मजदूर का बन रहा है मोर आदमी यहाँ मोर आदमी मजदूर से लेके मालिक तक जाए और इसके कोई सपना देखने वाला कोई व्यक्ति नहीं से तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में सिर्फ अजीत जोगी रही से कि मजदूर का मालिक बनाए के सपना देखे। आदरणीय भैया के नेतृत्व में हम 2023 में सरकार बनाबो और जो मजदूर व्यक्ति है तला मालिक बना के हम सब दिखाबो वो आदमी 2023 में मजदूर नहीं मालिक बन के होगा। आदरणीय भैया यहाँ जो बैठे व्यक्ति है ये कोई हीरा से कम नहीं है, यहाँ जो बैठे व्यक्ति है हजार मानकों में चमकने वाला व्यक्ति बन बैठे है, आपके साथ ईमानदार व्यक्ति बन बैठे है, आपने मजबूत कहे बन बैठे हमें,
और एक बार ये जो ईमानदार व्यक्ति पर बैठे हैं जो आपके साथ कंधा कर खर्च मिला के चला थे, एक बार इनके मन बड़ी जोरदार ताली से स्वागत करना चाहता हूँ। ज्यादा बात मैं आगे नहीं बढ़ाऊ, आप मन सब के सब राम जी के दोहा सुने हो, आप मन सब रहीम के दोहा सुने हो, आप मन सब तुलसीदास जी के दोहा सुने हो, कबीरदास जी के दोहा सुने हो। मैं आप मल्ला आदरणीय भूपेश बघेल जी के दोहा सुनाना चाहता हूँ, दोहा बनाया हुआ तो दोहा है, बेचत बेचत मैं चला उपक्रम बचा ना कोई, अरे बेचत बेचत मैं चला उपक्रम बचा ना कोई, सुचित करा मोहे छूट गया होए कोई, वही छूट गया हुई तो दानिक भैया सुचित कर दे बालू हो जाए कोयला, हम सब लोग तो बेच डरे है और कुछ बाजत हो तो बहुत हम सूचित कर दे कि हम छत्तीसगढ़ के जो खनिज सब पता है आदरणीय भूपेश बघेल जी बहुत कहते हैं, ये भूपेश बघेल के सरकार है यहाँ के एक ठन संपदा ला वो आज बेचा जावा था में। आज हमन तब यहाँ इकट्ठा हुए हमार पार्टी ने मजबूत करे बल आदरणीय बड़े भाई गांधी भाई भी हावे, मैं दोहा पाले को तो मैं तेने रे के कर के मैं तुतारी वाला बात नहीं बोले हो, तू तन बेला दिल में तुतारी है को हाथ में हावे कम भाग तो जे डाल को चक पे हम ओढ़ हम जाबो ता आ तू भैया तको हावे ओहु जड़न हो तको कि टेढ़न दौड़ो टेढ़न दौड़ो आप मन तको हावो तो दोनों बेला हम मिलते हम दौड़बो और निश्चित तौर से हम बड़ मजबूती से 2023 में सरकार बनाबो। लोगन कथे बोला बोलना तो नहीं चाहिए मगर मैं फिर भी बोला था, वो जोगी पार्टी खत्म हो गई, जोगी पार्टी खत्म है वो बोला मैं बता देना चाहता, पत्थर को कोई पीसा तो वो कभी मैदा नहीं हुआ, पत्थर को कोई पीसा तो वो मैदा नहीं हुआ, अरे जोगी कांग्रेस को खत्म करने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ, जो बताने में हूँ आज तक जोगी कांग्रेस को खत्म करने वाला कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है, अरे अजीत जोगी के तो सिर्फ नामे काफी है, अजीत जोगी जी के सिर्फ विचारधारा काफी है, यहाँ लोगन जो बैठे हुए हैं ये प्रदीप साहू रहे दानिश भाई देख के नहीं बैठे, अजीत जोगी जी के जो विचारधारा है वो लोग देख के हम बैठे बैठी है, और इन्हीं विचारधारा बोला लगते सबसे बड़े औजार है तो यही विचारधारा है, और यही विचारधारा लावन गांव गांव तक गली गली तक लेके जाबो, और जोगी जी के आज भी अपना प्रशंसक है, आज भी अपना चाहने वाला है कि 2023 में हमारे सरकार बना के निश्चित तौर से दिखाबो, और हमर सरकार बनी छत्तीसगढ़ हमन के सरकार बनी और हम सब सरकार में आबो। यही बात के साथ मैं अपन वाणी का विराम देना चाहता हूँ।